हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, एमपी यानी मध्य प्रदेश के सेकेंड राउंड का रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। ऐसे में गवर्नमेंट कॉलेजेस हो या प्राइवेट कॉलेजेस हो, दोनों में क्लोजिंग कट ऑफ क्या रहा है अलग अलग कैटेगरीज के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मॉपअप राउंड में इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, यदि पड़ेगा तो कितना पड़ेगा। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। मेरा नाम है अफसारन और आप देख रहे हैं नीटपॉट, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एमपी यानी मध्य प्रदेश एक लो कट ऑफ राज्य माना जाता है, यानी अदर स्टेट्स की तुलना में यहाँ का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम जाता है। ये अच्छी बात होती है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अनरिजर्व यानी ओपन कैटेगरी में देखते हैं। ओपन यानी कोई और सब कैटेगरी इसमें शामिल नहीं होता है। की बात करें तो 551 पे क्लोजिंग मार्क्स रहा है और साथ ही जो रैंक है वो 45,788 पे क्लोज हुआ है। और जो गवर्नमेंट कॉलेज मिला है वो है जीएमसी शेड्यूल, यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शेड्यूल अलॉट हुआ है। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो 545 पे क्लोज हुआ है। जो ऑल इंडिया रैंक है वो 49,679, ये क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक रही है। और गवर्नमेंट कॉलेज जो मिला है वो है जीएमसी शेड्यूल। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ये 544 पे क्लोजिंग मार्क्स रहा है और जो ऑल इंडिया रैंक रही है वो 50,562। ये इस तरह से है कि अदर राज्यों की तुलना में ये कट ऑफ काफी नीचे है। अगर हम यूपी, बिहार और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ जनरली बहुत ज्यादा जाता है सभी कैटेगरीज के लिए। जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो है एसआरवी सिंधिया मेडिकल कॉलेज शिवपुरी। अगले कैटेगरी की बात करें तो एससी का जो क्लोजिंग कट ऑफ रहा है 429 मार्क्स पे सिलेक्शन है और जो रैंक है वो 1,56,574 और जो कॉलेज मिला है वो है जीएमसी शेड्यूल यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शेड्यूल। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी का जो सिलेक्शन है वो 328 पे हुआ है और जो ऑल इंडिया रैंक है वो 2,96,610 पे सिलेक्शन हुआ है और जो कॉलेज है वो जीएमसी देतिया ये अलॉट हुआ है। आगे हम लोग बात करते हैं, ये तो थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, जहां पे क्लोजिंग कट ऑफ अलग अलग कैटेगरीज के लिए क्या रही है वो आपको हमने बता दिया। अब बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 465 पे सिलेक्शन हुआ है और जो ऑल इंडिया रैंक रही है वो 1,18,157 और जो कॉलेज मिला है सुख सागर मेडिकल कॉलेज जबलपुर। अगले कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। ओबीसी का सिलेक्शन हुआ है 460 पे और जो ऑल इंडिया रैंक रही है वो 1,22,442 मार्क का ऑल इंडिया रैंक रही है और जो कॉलेज था वो है सुख सागर मेडिकल कॉलेज जबलपुर। अगले कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। एससी का जो सिलेक्शन हुआ है वो 331 पे हुआ है और जो रैंक है 2,92,867, इसमें कॉलेज जो है वही मिला है सुख सागर मेडिकल कॉलेज जबलपुर। और लास्ट कैटेगरी की बात करें एसटी कैटेगरी की, तो ये 108 मार्क्स पे सिर्फ सिलेक्शन हो गया है और जो रैंक है 9,19,399, इसमें भी सुख सागर मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है। तो इस तरह से गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस के आपने क्लोजिंग कट ऑफ देखा सेकेंड राउंड के लिए। यहां से एक बात तो क्लियर है कि मॉपअप राउंड में चूंकि सीटें बहुत कम बचती है, तो जो क्लोजिंग कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें मॉपअप की, तो इसमें बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाने वाला है। उसके पीछे कारण यही है कि मॉपअप तक जो सीटों की संख्या होती है वो बहुत कम ही बच जाती है, जिसकी वजह से हार्डली 1 से 2 मार्क्स का फर्क होगा। इस तरह से अगर आप एमपी के क्लोजिंग कट ऑफ का अनुमान लगाएंगे तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और अब अगर मॉपअप राउंड जब होने वाला होगा तो उसमें क्लोजिंग कट ऑफ बहुत ही नीचे नहीं जाने वाला है। तो इस तरह से उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।